पहले आप थायराइड समझ लीजिए। थायराइड एक ग्रंथि होती है, बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है हमारे नेक में, जो कि थायराइड हार्मोन T3 और T4 को रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक भी हमारा जो है मैनेज होता है। पर जब थायराइड बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। उसकी क्यों बढ़ता है, उसकी कॉजेज भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब वो बढ़ जाता है तो कंडीशन कहलाती है हाइपर थायराइडिज्म। उसके कुछ लक्षण भी आते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज में जो इसका जो मेन कॉज है वो है ग्रेव डिजीज। अब ग्रेव डिजीज क्या होता है, इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि ऑटो इम्यून का मतलब होता है बॉडी खुद अपने शरीर को नुकसान कर रही होती है एंटीबॉडीज के थ्रू। एंटीबॉडीज बनते तो वैसे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, पर अब इसमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो थायराइड को ही नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, और वो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा वो T4 और T3 को रिलीज करे, तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरी एक और कॉज होती है थायरॉयडाइटिस। इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है थायराइड का, तो कुछ होल्स बन जाते हैं थायराइड में, वहाँ से ये जो हार्मोन्स हैं T3-4 लीक कर जाते हैं ब्लड में, और फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो जो TSH सिक्रेट कर रहा हो, TSH जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो हार्मोन बनाता है T4 T3 को रिलीज करता है ब्लड में। अब ज़्यादा वहाँ से TSH बन रहा होगा तो T3 T4 ज़्यादा रिलीज होगा यहाँ थायराइड से, तो उस ट्यूमर से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। या कोई पर्टिकुलर थायराइड में ट्यूमर हो जो रिलीज कर रहा हो थायराइड हार्मोन्स, तो उसको वो भी फिर हाइपरथायरॉयडिज्म करेगा। या कोई किसी ने जो ओरली थायराइड हार्मोन होता है थायरोक्सिन वो ज़्यादा ले ले, तो ये वाली स्टेज आ सकती है। थायराइड ज़्यादा हो गया तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाती है, हर चीज़ ज़्यादा काम कर रही होती है। दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है, BP बढ़ गया होता है, पसीने आ रहे होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, बार बार मोशन जा रहा होता है, मतलब पेट प्रेशर बन रहा होता है बार बार पेशेंट को, वेट कम हो रहा होता है, भूख ज़्यादा लग रही होती है, वीकनेस आ जाती है, बाल टूट रहे होते हैं, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मेल्स में गाइनिकोमेस्टिया हो जाता है, यानी कि ये ब्रेस्ट बढ़ जाती है मेल्स में, फीमेल्स में उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसी में अगर ग्रेव डिजीज में देखें तो आंखें बाहर आ जाती हैं, ऐसे पेशेंट को ऐसा लगता है बाहर आंखें, इसको ग्रेव ऑप्थल्मोपैथी बोलते हैं, इसमें आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखों में भारीपन लगता है, चौंधिया आ जाती है, तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसमें विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है या विजन टोटली लॉस ही हो सकता है इसमें। इसी तरीके से ग्रेव डर्मोपैथी होती है, उसमें शिन पे या आपके पिंडली पे या पैरों में खाल मोटी हो जाती है और लाल हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेव डर्मोपैथी। दोस्तों बात करते हैं कि डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए ब्लड में सीधा सा इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, पता लग जाता है क्या चीज़ बढ़ी हुई है क्या नहीं। अगर डाउटफुल हो कि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है जो TSH रिलीज कर रहा है, तो फिर वहाँ का MRI या CT स्कैन करा के देखते हैं कि वहाँ कोई ट्यूमर तो नहीं है। थायराइड स्कैन करा के देखते हैं कि थायराइड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई ट्यूमर तो नहीं है जो वो हार्मोन को ज़्यादा रिलीज कर रहा है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिंस होती हैं, कॉमनली तो प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल दी जाती है, जिसको अगर थायरॉयडाइटिस है वायरल इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया, तो 2 महीने के लिए इंसुलिन होता है, इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, थायरॉयडाइटिस में कोई ऐसे सिम्टम्स आते नहीं है, T3 TSH भी थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ आएगा, इसके लिए 2 महीने मेडिसिन लेनी होती है। और अगर मान लीजिए ग्रेव डिजीज़ है या कोई और कॉज है इसकी, तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए ये मेडिसिन आपको 2 साल तक लेनी होती है, और फिर 2 साल बाद मेडिसिन स्टॉप करके देखा जाता है कि नॉर्मल रहा है या नहीं। अगर फिर भी नॉर्मल रहता है फिर आपको एक रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलाई जाती है, वो आपके थायराइड में जाके थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, सो दैट जब पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो हार्मोन कम बनेगा। पर कभी कभी ये पूरा ही ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म वाली स्टेज आ जाती है, फिर आपको लाइफ टाइम जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन थायरोक्सिन ओरली लेना होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपको हर 1.5-2 महीने में टेस्ट कराना होता है लेवल देखने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन एडजस्ट होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म की जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें जो है दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, तो उस दिल की धड़कन बिगड़ने से खून के थक्के बनने का खतरा रहता है। अब ये खून जब थक्के बनते हैं तो वो दिमाग में जाके वहाँ आपकी जो ब्लड सप्लाई है दिमाग की इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक बोलते हैं उसको, वो हो सकता है, या हार्ट में जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है
ये एक सीरियस बीमारी है। हाइपोथायरायडिज्म एक टेबलेट से हो जाती है अगर वो आयोडीन पिलाने के बाद भी, या आपका एक ऑप्शन हाइपरथायरायडिज्म को ट्रीट करने का सर्जरी भी होता है तो उसमें पूरा ग्लैंड ही निकाल देते हैं अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो तो, उसमें भी फिर हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है तो उसको टैबलेट से ही मैनेज किया जा सकता है। तो हाइपरथायरायडिज्म कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, तो हाइपरथायरायडिज्म इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और जान भी पेशेंट की जा सकती है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। वो आई होप ये आपकी सब समझ में आ गया होगा इसको कैसे मैनेज करते हैं, और अगर हाइपोथायरायडिज्म हो भी जाए आयोडीन पिलाने के बाद या सर्जरी के बाद तो आप इसको एक टैबलेट से इजीली अपनी अच्छी तरह हेल्दी रह सकते हैं। खुश रहिए और वो खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद।